नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा शिक्षक प्रशिक्षण से लगभग 21 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और मैं देहरादून से हूँ और मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए मैं इग्नू से, मुक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से लगातार जुड़ी रही हूँ तथा शिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करती रही हूँ। आज बच्चों में मूल्यों का विकास किस तरीके से किया जाता है, इस विषय पर मैं आपसे बात करूँगी। आशा है ये बात आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। सबसे पहले मूल्यों के विकास की बात जब हम करते हैं तो यह तो निश्चित ही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों को हमेशा से ही महत्व दिया जाता रहा है। मूल विहीन शिक्षा कोई अर्थ नहीं रखती, मूल विहीन व्यक्तित्व कोई आधार नहीं रखता और अगर हम उससे किसी तरह के अच्छे व्यवहार की आकांक्षा भी नहीं रख सकते हैं। अतः मूल्यों के सहित शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। किंतु मूल शिक्षा की बात करने से पहले मूल्यों के अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है। मूल्य का अर्थ, मूल की पश्चिमी अवधारणा के अनुसार यह लैटिन भाषा के शब्द वैलेर से बना है जिसका अर्थ है मजबूत होना या कीमती होना। सामान्यतः प्रयुक्त अर्थ में मूल्य एक प्रकार का विकास है जिसके आधार पर व्यक्ति प्राथमिकताओं से व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति का जैसा मूल्य होता है वह व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता दिखाई देता है। R.K. मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत वे प्रेरणाएं हैं जो अनुकूलन, सीखने एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो व्यक्ति के भीतर स्थिर होकर उसकी प्राथमिकताओं, स्तरों एवं आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। कनिंघम के अनुसार शिक्षा मूल शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। इन्हीं के अनुसार व्यक्ति के उन गुणों, योग्यताओं तथा क्षमताओं को विकसित किया जाता है जो वस्तुतः जीवन मूल्यों में निहित होते हैं। और सही भी है कि शिक्षा के मूल्यों को यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों में समाहित कर लेंगे तो हमारी शिक्षा पद्धति सुदृढ़ हो जाएगी और साथ ही साथ हम बच्चे का विकास उचित तरह से समग्रता से कर सकेंगे। मानवीय संदर्भ में मूल्य, व्यक्ति जिसे वरीयता देता है वह मूल्य है। हम ईमानदारी को वरीयता देते हैं तो ईमानदारी हमारा मूल्य है। हम बेईमानी को अपने जीवन में वरीयता देते हैं तो बेईमानी हमारा मूल्य बन जाता है। मूल वह आधारभूत विश्वास है जो हमारे चिंतन भाव एवं वस्तुओं के प्रति हमारे विचारों को दिशा प्रदान करते हैं। हम क्या सोचते हैं, किसके प्रति हमारे क्या विचार हैं, ये सब हमारे मूल्य ही दर्शाते हैं। मूल्य समाज, संस्कृति एवं व्यक्ति के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये मूल्य ही हैं जो हमें समाज से जोड़ते हैं, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हैं। किसी व्यक्ति की मूल्य प्रणाली उसके समाज में निहित सांस्कृतिक मानकों एवं मूलकों के द्वारा निरूपित की जाती है एवं गढ़ी जाती है। भारतीय संदर्भ में मूल्यों की संकल्पना, कुछ सार्वभौमिक नैतिक अभिवृत्तियाँ ही व्यक्ति के अंदर उपयुक्त मूल्यों को विकसित करती हैं। संस्कृत में नैतिक मूल्यों को धर्म की संज्ञा दी गई है। जो कार्य हम धर्मानुसार करते हैं वही हमारे नैतिक मूल्य हैं। वैदिक काल से ही भारतीय मूल्यों को धर्म एवं कर्म के रूप में संरक्षित किया जाता रहा है। हमारी वैदिक संस्कृति तो मूल्यों के रूप में बहुत धनी रही है और उसने सदैव ही व्यक्ति के कर्म और धर्म को मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में जाना जाता है, ये व्यक्ति के आदर्शयुक्त जीवन के आधार स्तंभ हैं। भारतीय मनीषी आत्म के सर्वोच्च विकास के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय का अनुपालन आवश्यक मानते हैं और इसी के द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिक परिपूर्णता की संप्राप्ति संभव है। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था की गई थी। हम अपने पिता के रूप में सभी मूल्यों को उनके अंदर पाते हैं।
हमारे पिता एक ब्राह्मण के रूप में हमें शिक्षा देते हैं अर्थात ज्ञान मूल, एक क्षत्रिय के रूप में हमारी रक्षा करते हैं अर्थात सामाजिक मूल, एक वैश्य के रूप में हमारा भरण पोषण करते हैं अर्थात आर्थिक मूल, और एक शूद्र के रूप में हमारी सेवा करते हैं अर्थात सामाजिक मूल। इस तरह सदैव से ही हमारी संस्कृति मूल्यों को परिष्कृत करती आई है। भारतीय दृष्टि में तीन निरपेक्ष मूल्यों सत्य, शिव और सुंदर से लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा चयनित 83 मूल्यों को व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। उपयुक्त मूल्यों को श्रेणीबद्ध करने पर निम्न श्रेणियां बनाई जाती हैं। पहला, आंतरिक एवं सहयोगी मूल। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ आंतरिक मूल्य होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे ईमानदारी, सदैव सच बोलना, नियमों का पालन करना, और उनके सहयोगी मूल्य जो कि उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, सांस्कृतिक मूल इत्यादि। दूसरे, सकारात्मक एवं नकारात्मक मूल। हमारे अंदर किस तरह के मूल्य हैं, सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, हम गलत मूल्यों की तरफ ध्यान देते हैं या हम सही मूल्यों की तरफ ध्यान देते हैं। उच्च एवं निम्न मूल। उच्च मूल्य सादा जीवन, उच्च विचार। निम्न मूल भौतिकता में लिप्त होना। स्थायी एवं अल्पकालिक मूल। कुछ मूल ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं और जीवन पर्यंत बालक उसका पालन करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्पकाल के लिए हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं और थोड़े समय के बाद वे मूल्य बदल जाते हैं। निष्पादकारी मूल्य। जब हम उपभोक्ता समाज में रहते हैं तो हम निष्पादकारी मूल्य की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ये निष्पादकारी मूल्य किस हद तक बालक के व्यक्तित्व में आने चाहिए, ये हमारी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है, हमारे घर के वातावरण पर निर्भर करता है। फिर हमारे चतुष्टय मूल्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मूल्यों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, बालक को शिक्षा देने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस मूल्यों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, तभी हम बालक में सही मूल्यों का समावेश कर सकेंगे। पहला मूल्य आता है दार्शनिक मूल्य, दूसरे मूल्य सामाजिक मूल्य, तीसरा मनोवैज्ञानिक मूल्य, चौथा सार्वभौमिक या मानवीय मूल्य। दार्शनिक मूल्य। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार इन्हें अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार पहला मूल्य है धर्म अर्थात नैतिक तथा सत्य का आचरण, दूसरा अर्थ धन और संपत्ति का अर्जन, जीवन यापन के लिए धन और संपत्ति जरूरी है, काम सुख तथा आनंद अर्थात बालक की संपूर्ण प्रगति, मोक्ष आध्यात्मिक चिंतन, आत्म अनुभूति, आत्मा का विकास, सत्य शिव और सुंदर, ये हमारे जीवन के अंतिम सत्य और शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्राप्ति हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। पाश्चात्य दर्शन में कुछ इस तरह से विभाजित किया गया है दार्शनिक मूल्यों को, पहला नैतिक मूल्य नैतिकता से संबंधित, सामाजिक मूल्य समाज से संबंधित, सौंदर्य अनुभूति मूल्य सौंदर्य से संबंधित और धार्मिक मूल्य धर्म से संबंधित। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी और जॉन ड्यूवी ने सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया है, और सच भी है, समाज में रहना है सामाजिक मूल्यों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इन मूल्यों के आकलन का संदर्भ बिंदु समाज माना जाता है। सामाजिक मूल्य तीन प्रकार के बताए जाते हैं, जैविक मूल्य जीवन को जीने के लिए आवश्यक मूल्य, सामाजिक मूल्य समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्य, जिससे समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्य जिनकी आज्ञा हमें समाज देता है, आध्यात्मिक मूल्य आत्मा की उन्नति के लिए जो मूल्य जरूरी होते हैं उन्हें हम आध्यात्मिक मूल्य में रखते हैं। इसके अलावा दो मूल्य और बताए गए हैं, सैद्धांतिक या अमूर्त मूल्य अथवा आंतरिक मूल्य। ये मूल्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, बालक किस सिद्धांत की तरफ अग्रसर होता है, किन मूल्यों को वो मानता है, ये मूल्य उसकी आंतरिक शक्ति को भी दर्शाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। यांत्रिक मूल्य या व्यवहारिक मूल्य अथवा बाह्य मूल्य, बालक किस तरीके से कार्य करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब हम बाह्य मूल्यों के अंतर्गत लेते हैं।
इसके बाद मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य मन की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। आंतरिक मूल्यों में सैद्धांतिक या बौद्धिक मूल्य, जो मूलतः हमारे ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। बालक को हम किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, किन सिद्धांतों से वो प्रेरित होता है, अच्छे मूल्यों की तरफ बढ़ता है या खराब मूल्यों की तरफ बढ़ता है। दूसरा, सौंदर्य अनुभूति मूल। सौंदर्य की अनुभूति हम किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सौंदर्य हमारे मन में होता है। जिस तरह की भावना से हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ हमें वैसी ही दिखाई देती है। अच्छे भाव से देखोगे तो अच्छी दिखेगी, खराब भाव से देखोगे तो खराब दिखेगी। तो बालक के अंदर ये सौंदर्य अनुभूति मूल्य को जागृत करना भी शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर तीसरा आता है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य की विशेषता ये है कि ये धर्म से जुड़ा ना होकर बल्कि व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा है कि उसका धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या समाजशास्त्र में करी गई है कि धर्म वह है जिसे हम धारण करते हैं, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। इसे हमने दृढ़ धातु से विकसित किया है। तो धर्म किसी विशेष आस्था पद्धति को मानना ही नहीं, वरन हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है, जिसको हम अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं। दूसरा, बाह्य मूल्य, जो हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं, हमारे कौशल में दिखाई देते हैं। जैसे आर्थिक मूल्य, हम किस तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, किस तरह के कौशल का उपयोग करते हैं। दूसरा, राजनैतिक मूल्य, हमारी राजनैतिक विचारधाराएं क्या हैं, किन राजनैतिक विचारधाराओं को हम प्रश्रय देते हैं और किन को हम गलत बताते हैं। तीसरा, सामाजिक मूल्य, समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए और साथ ही साथ तकनीकी को भी साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह के समाज का निर्माण करना है, ये हमारे सामाजिक मूल्य निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जब सार्वभौमिक मूल्यों की बात आती है तो सहसा ही मुझे याद आता है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की अगर हमें स्थापना करनी है तो इन सार्वभौमिक मूल्यों को हमें विश्व में आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि ये विश्व बंधुत्व की तरफ चल पड़े। शिक्षा में इन्हें समाहित करना होगा कि बालक अपने साथ इन मूल्यों को लेकर चले। और ये मूल्य हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। इन सभी मूल्यों का आधार प्रेम है। राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीयता, जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता से अपने को अलग नहीं कर सकते। भारत एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सदैव से ही धर्मनिरपेक्ष मूल्य प्रभावी रहे हैं, प्रजातांत्रिक मूल्य प्रभावित रहे हैं, और इनको शिक्षा में समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बालक की सोच भी प्रजातांत्रिक रूप में विकसित हो। और ये मूल्य हैं न्याय, सबको समान न्याय मिले, स्वतंत्रता, सबको काम करने की स्वतंत्रता हो, समानता, सबको समान दृष्टि से देखा जाए तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। बंधुत्व, हम सब प्रेम से रहें, भाईचारा आपस में व्याप्त हो, और इन सब गुणों का प्रचार और प्रसार करना, शिक्षा में लेकर चलना, ये शिक्षा का ही काम है। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अभिभावकों की, अध्यापकों की। कुछ लोगों ने मूल्यों का वर्गीकरण इस तरीके से भी किया है, पहला व्यक्तिगत मूल, दूसरा सांस्कृतिक मूल। व्यक्तिगत मूल्यों में जैसे सामाजिक स्वरूप, प्रणाली, किस तरह का तंत्र हमारे समाज में व्याप्त है, धर्म, धर्म को हम किस तरीके से स्वीकार करते हैं, किसी विशेष धर्म में आस्था रखते हैं या मानव धर्म को लेकर हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे व्यवहार में धर्म किस तरीके से परिलक्षित होता है, ये हमारा व्यक्तिगत मूल्य है। संस्कृति, संस्कृति का परिमार्जन हम किस तरीके से करते हैं, हम रूढ़िवादी संस्कृति को लेकर चलते हैं या हम प्रगतिवादी संस्कृति को लेकर चलते हैं, ये भी हमारा व्यक्तिगत मूल्य है। राजनैतिक दल, किस राजनैतिक दल की परंपरा को हम अच्छा मानते हैं, किसको हम खराब मानते हैं, ये भी व्यक्ति का निजी मूल्य होता है। लेकिन इन मूल्यों को
आगे बढ़ाना, इसकी समझ उत्पन्न करना, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। दूसरे तरीके के मूल्य होते हैं सांस्कृतिक मूल्य, जो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं, जो हमारे समाज का निर्माण करते हैं, जैसे परंपराएं, विवाह, त्यौहार आदि। हमारे समाज की परंपराएं क्या हैं, विवाह पद्धति क्या है, त्यौहारों को हम किस तरीके से मनाते हैं। पुरस्कार, दूसरा जो सांस्कृतिक मूल है पुरस्कार, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है कि पुरस्कार के मूल्य को हम किस तरीके से अपनाते हैं और किस तरह से इसे आगे बढ़ाते हैं। पुरस्कार के साथ साथ एक और सांस्कृतिक मूल्य है दंड, कि गलत काम करने पर व्यक्ति की दंड पद्धति किस तरीके से निर्धारित किया जाए। परिवार, परिवार में हमारे सभी मूल्य विकसित होते हैं, इसलिए पारिवारिक मूल्य सांस्कृतिक मूल्य के रूप में अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं और इसको प्रश्रय देना आज के समाज की ज़रूरत भी बन गया है। और इसके लिए आवश्यक है कि बालक में इन सभी गुणों का विकास हो, जिससे कि उसके अंदर मूल्यों के सही और गलत की पहचान हो सके। अब हम बात करते हैं कि इतने प्रकार के मूल्यों के स्रोत क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। पहला स्रोत है धर्म, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण कर हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। हमें किसी न किसी धर्म का पालन करना पड़ता है यदि हमें सही राह पर चलना है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दूसरा है दर्शन, तत्व ज्ञान, तर्क, नीति, सौंदर्य ज्ञान द्वारा जीवन मूल्यों को निर्धारित करता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक दर्शन होना भी अत्यंत आवश्यक है, कि वो अपने विचारों के दर्शन को मानता है, वो प्राकृतिक दर्शन को मानता है, वो प्रयोजनवाद के दर्शन को मानता है, या वो वास्तविकता के दर्शन को मानता है। तो दर्शन भी मूल्यों का एक अभिन्न स्रोत है। साहित्य जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो साहित्य होता है, इसमें हमारे जीवन मूल्यों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कि किस काल में हमारे जीवन के कौन से मूल्य रहे और किन मूल्यों को प्रश्रय देना चाहिए। इसलिए शिक्षा पद्धति में साहित्य को शामिल करना चाहिए। सामाजिक रीति रिवाज, ये विभिन्न मूल्यों का निरूपण करते हैं। साहित्य जहाँ प्रतिबिंब देता है मूल्यों का, वहीं सामाजिक रीति रिवाज इनको व्यवहार में परिलक्षित करते हैं, कि व्यक्ति के व्यवहार में ये मूल्य दिखाई देने लगते हैं। विज्ञान, विज्ञान के द्वारा कई पुराने मूल्य टूट रहे हैं तो कई नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं, और विज्ञान को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। अगर बालक को प्रगतिवादी युग की तरफ बढ़ना है तो उसे विज्ञान से जोड़ना भी आवश्यक है। बच्चों में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता, आज इस शिक्षा की आवश्यकता या इस शिक्षा की बात करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। भारत तो सदा से ही मूल्यों को प्रश्रय देने वाला, मूल्यों को पल्लवित करने वाला देश रहा है, किंतु अचानक से जो तेज़ी से औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, उसके कारण भारत अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि गौरवशाली परंपराओं को खोता चला जा रहा है। परंतु आज अनास्था तथा पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में हमारी प्राचीन परंपरा एवं मूल्य धूमिल हो गए हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में मूल्यपरक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे बालक अपने झूठे आवरण की जगह अपने स्व को पहचाने। मैं क्या हूँ, मेरी कमजोरियाँ क्या हैं, मेरी ताकत क्या है, इन चीज़ों को पहचानना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम कृत्रिमता का आवरण ना पहने, बल्कि सच्चे मूल्यों से अपने बच्चों को अवगत कराएं, तभी हम सही शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। यह भी तय बात है कि मूल्यों को बच्चों पर लादा नहीं जा सकता, वरन ये बालकों को आत्मसात करवाए जाते हैं। ये सभी जीवन मूल्य बालक के मस्तिष्क, मन एवं हाथों को प्रशिक्षित करने से प्राप्त होते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान के साथ मूल्यों का समावेश करें। हम बालक के हृदय में भावनाओं के साथ उसका हृदयंगम करें और साथ ही क्रिया में ये मूल्य दर्शाने लगें, तभी हमारी शिक्षा पद्धति की सही जीत होगी। तो जीवन मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए बालक के मस्तिष्क, बालक के हृदय, बालक के हाथ को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। मस्तिष्क जहाँ ज्ञान के द्वारा मूल्यों की स्थापना करेगा, वहीं हृदय भावना के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा मूल्यों को आत्मसात करवाएगा। और जब
ज्ञान और भावना में मूल्य स्थापित हो जाएंगे तो हमारे व्यवहार अर्थात हमारी क्रियाओं में वे अपने आप ही परिलक्षित होने लगेंगे। अतः अत्यंत आवश्यक है और वह समय आ गया है कि जब हम 3H अर्थात 3H की बात करें, जिसमें हम मस्तिष्क, हृदय और हाथों के प्रशिक्षण की बात करते हैं कि हेड, हार्ट और हैंड को प्रशिक्षित किया जाए और इनमें जीवन मूल्यों को समावेशित करके अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारा जाए, तभी हम बालक को सही दिशा में विकसित कर सकेंगे, उसके अंदर मूल्यों का विकास कर सकेंगे। यदि हमें बालक के अंदर मूल्यों का विकास करना है तो एक चीज़ अत्यंत आवश्यक हो जाती है कि हम माता पिता और शिक्षक के रूप में बालक के सामने आदर्श प्रारूप मूल्यों का स्थापित करें। जैसा व्यवहार हम बालक से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम बालक के सामने खुद करके दिखाएं। ये बात सर्वथा गलत होगी कि हम बच्चों से तो कुछ और व्यवहार चाहें और अपने व्यवहार में कुछ और परिलक्षित करें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम छोटे छोटे क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों को मूल्य शिक्षा दें, जैसे राष्ट्रीय त्यौहारों को मनाना, प्रार्थना सभा में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, या फिर जो हमारे यहाँ के दार्शनिक हुए हैं, जो हमारे यहाँ के समाज सुधारक हुए हैं, उनकी छोटी छोटी कहानियों को सुनाना, ये बालक में मूल शिक्षा का विस्तार कर सकता है। सहयोगात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना या फिर नुक्कड़ नाटक करवाना जिसमें कि मूल्यों की प्रधानता हो, वो भी बालक की मूल शिक्षा में सहायक बन सकते हैं। इसके अलावा कहानी प्रथा, जो कि हमारे यहाँ लगभग विलुप्त होती चली जा रही है। पहले हम दादा दादी नाना नानी से ढेर सारी कहानियाँ सुनते थे, माँ भी हमें सोते समय कहानी सुनाती थी और उससे भी हमें ढेरों शिक्षाएं मिलती थी, हमारे पथ का प्रदर्शन होता था, हमारे अंदर कई तरीके के मूल्य विकसित होते थे। तो इन विधाओं को प्रश्रय देकर हम बालक के अंदर अनेक प्रकार से मूल्यों का विकास कर सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भी है कि सफलता के पीछे मत भागो बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनो, अर्थात मूल्यों से युक्त व्यक्ति बनो, तभी तुम्हारा जीवन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये बात आपको पसंद आई होगी और आप अभिभावक शिक्षक के तौर पर अपनी इन जिम्मेदारियों को भली प्रकार वहन करेंगे। नमस्कार।